हेलो, चलिए मैं आपको इस लेसन में बताता चलूँ कि किस तरीके से हमने हमारा जो लेसन है थर्ड क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का रहीम एंड हिज कैमल, इसमें एनएपी 2020 के जो डोमेन्स है और क्राइटेरियाज है उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और किस तरीके से यूज़ में लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लेसन है ये एक स्टोरी है जिसमें बच्चों को बताया गया है कि अगर आप सेल्फिशनेस बताओगे तो अदर्स भी वैसे ही करेंगे, जैसे आप ट्रीट करेंगे वैसे आपको दूसरे ट्रीट करेंगे। और जब कोई आपके अगेंस्ट सेल्फिशनेस अगर शो करे तो आपको किस तरीके से फील होता है, इसका भी अंदाजा होना होने वाला है इस लेसन के अंदर बच्चों को इस स्टोरी के जरिए। इस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए हमने इस लेसन में बच्चों के लिए दो डोमेन्स का इस्तेमाल किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला है वो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, और सेकेंड वन है सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट। दोनों ही डेवलपमेंट कि जो डोमेन्स है ये हमने एनईपी 2020 से लिए है। और अगर लेसन की बात करूँ तो इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है हमने इसमें जो है कुछ जो न्यू वर्ड्स है उनको कवर किया है जो लेसन में इस्तेमाल किए गए, और देन सेकेंड पार्ट में हमने कंप्लीट स्टोरी को कवर किया है।